नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम का यूज करते हैं और इंस्टाग्राम रील्स का आप काफी ज्यादा यूज करते हैं तो उस स्थिति में आपका इंटरनेट का डेटा काफी ज्यादा खत्म हो जाता है। अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये वीडियो आप कम्प्लीटली ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक की मदद से आप अपने स्मार्टफोन के इंस्टाग्राम से जो डेटाज खत्म हो रहा है उसको आप काफ़ी जल्दी खत्म होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाली है, काफ़ी कुछ ऐसा नया ज्ञान मिलने वाला है जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखते हैं तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा लाभदायक रहेगी। तो उसके लिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ नया सीख सकें, कुछ नया ज्ञान ले सकें। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स का यूज़ करते हैं, तो काफ़ी बार आप दिन भर इंस्टाग्राम रील्स को देखते हैं या फिर 2-3 घंटे इंस्टाग्राम रील्स को देखते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो इंटरनेट होता है वह ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपका जो इंटरनेट है वह ख़त्म हो रहा है या फिर ज़्यादा नहीं चल पा रहा है, तो उससे बचने के लिए आज की एक वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रिक समझाने वाला हूँ, जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, इस ट्रिक की मदद से आपका इंटरनेट काफ़ी सुपर फास्ट चलेगा, साथ ही लंबे समय तक चलेगा। जल्दी ख़त्म होने की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप हमारी इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के जो इंस्टाग्राम ऑप्शन होता है या फिर ऐप्स पर आपको इस क्लिक करना होगा। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंटीरियर इस टाइप से आ जाएगा। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है तो इस वाले यूज़र ने, तो जो यहाँ पर जो ये यूज़र नेम दिख रहा है, इस यूज़र नेम पर सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये यूज़र नेम आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसी यूज़र नेम पर आप क्लिक करें और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं कराया, फॉलो नहीं कराया तो फॉलो कर लें। चलिए आपको यहाँ पर जाना है, इन 3 डॉट्स बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाता है। यहाँ आपको जो फर्स्ट में सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर आपको जाना होगा। वैसे यहाँ पर काफ़ी प्रकार के यहाँ पर मेन्यूज आ रहे हैं, इसमें हमें सेटिंग्स मेनू जो मेन मेनू है इस पर आपको जाना होगा। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से यहाँ पर इंटीरियर ओपन हो जाता है, कुछ इस टाइप से आ जाता है। यहाँ पर जिस ऑप्शन पर आपको जाना होगा दोस्तों, वह ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको जो अकाउंट्स ऑप्शन है यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, इस अकाउंट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ये अकाउंट ऑप्शन आपके स्मार्टफोन में भी नज़र आ रहा होगा, काफ़ी स्मार्टफोन्स में ऊपर काफ़ी में नीचे कहीं भी आ सकता है, तो आपको इस अकाउंट वाला जो ये ऑप्शन आता है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर जो मेन ऑप्शन है उस पर जाना है, उसके लिए आपको स्क्रॉल अप करना होगा और यहां पर मोबाइल डेटा यूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह ऑप्शन आपके स्मार्टफोन में अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने स्मार्टफोन का जो ऐप है उसे अपडेट कर लें, उसके बाद में ये ऑप्शन आपके स्मार्टफोन में भी आने लग जाएगा। उसके बाद में आपको जो ये मोबाइल डेटा यूजिंग वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ताकि आप कुछ एप्लीकेशन, कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आपके डेटाज को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है डेटा सेवर का, इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना है, अनेबल रखना है। यह ऑप्शन आपके डेटाज़ को सेव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन में यह वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक बार आप अपने ऐप को अपडेट कर लें, अपडेट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपके स्मार्टफोन में भी आने लग जाएगा।
और जब ये स्मार्टफोन में आने लग जाए तो इसको आप ऑन कर लें, क्योंकि ये आपके डेटा सर्वर को, डेटास को सेव करने में काम आएगा। जब आप वीडियोस देखते हैं तो तब आपके डेटास को सेव करने में काम आएगा। और दोस्तों, अगर आपने जो ये यूजलेस डेटा वाला ऑप्शन का यूज़ नहीं करा है तो यूजलेस डेटा वाले ऑप्शन को भी आप यूज़ रखें, ताकि आपका जो डेटाज है वह सेव रहे और आपको काफ़ी राहत मिले, काफ़ी बचत मिले। लेकिन दोस्तों, अगर आप हाई क्वालिटी वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं वाईफाई ओनली से, तो आप यहाँ पर वाईफाई ओनली करें। लेकिन अगर आप उसे अपने स्मार्टफोन से भी देखना चाहते हैं तो इसमें हाई रेजोल्यूशन में मोबाइल डेटास को भी रखें, ताकि आपके मोबाइल डेटास पे भी हाई रेजोल्यूशन वाली, हाई क्वालिटी वाली वीडियोस आप देख सकें। तो आज हमने इसमें बताया है जो ट्रिक आपके काफी ज्यादा काम आएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे चलकर जो ट्रिक आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। दोस्तों, दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों ऑप्शन की मदद से आप आपके इंस्टाग्राम पर डेटास को खर्च होने से बचा सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन आपके काफी ज्यादा मदद करेंगे, काफी ज्यादा आपको फायदा देंगे, तो इन ऑप्शन को जरूर यूज करें। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर जो ये सेटिंग ऑप्शन होता है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके स्मार्टफोन में कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन्स में जो ऐप्स वाला ऑप्शन होता है, इस ऐप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने जो ये डेटा सेवर का एक ऑप्शन आएगा, उसके लिए आपको अपने ऐप्स पर जाना है। और ऐप्स में आपके सामने, तो दोस्तों अब आपके सामने जो इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन यहाँ पर ये नज़र आ जाता है, तो इंस्टाग्राम वाले इस ऑप्शन पर आपको जाना होगा। ऑप्शन जो आपके सामने मिल जाता है ऐप्स पर जाने के बाद, इसके अंदर आपको जो मोबाइल डेटा का ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, इस मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर जो एक ऑप्शन नज़र आ जाता है, अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजिंग, इस ऑप्शन को आप ऑफ रख लें, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आपका जो डेटाज है वह बैकग्राउंड में यूज़ होगा और बैकग्राउंड में खर्च होगा। एक बार जब आपका डेटा बैकग्राउंड में खर्च होता है तो उससे आपका इंटरनेट काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, इसीलिए आप इस ऑप्शन को ऑफ रखें। और यहाँ पर अलाउ जो ऐप वाला ऑप्शन नीचे आ रहा है, नीचे डेटा वाला, इस ऑप्शन को ऑन रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन में जो डेटा सेव करना चाहते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड में डेटा काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। मुझे मालूम है काफ़ी व्यक्तियों बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में डेटा खर्च हो जाता है। अगर आपके भी बैकग्राउंड में काफी ज्यादा डेटा खर्च हो रहा है तो उसके लिए दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में एक ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाता है, जिस ऑप्शन की मदद से आप अपने डेटास को काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपके स्मार्टफोन में जो ये ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, अलाउ वाला, तो अलाउ वाइल डेटा सेवर ऑन, तो इस वाले डेटाज ऑप्शन को आप ऑन रखें, ताकि आपका जो डेटाज है ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उससे आपको बचत मिल सके, राहत मिल सके। इस ऑप्शन को आप हमेशा ऑन रखें अगर आप डेटा सेव करना चाहते हैं, डेटास की बचत करना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन आपको काफी ज्यादा राहत प्रदान करेगा और इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना चाहिए। ये ऑप्शन आपके सभी एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल मिलेगा। आप जिन भी एप्लीकेशन में इस डेटा ऑप्शन को सेव करना चाहते हैं तो आपका जो डेटा ज़्यादा खर्च हो रहा है उससे आपकी राहत मिलेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो ट्रिक आपको बताई है, जो स्ट्रेटजी आपको समझाई है, जो मेथड आपको बताया है, ये मेथड आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। इन ट्रिक को, इन मेथड्स को आप एक बार ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये मेथड काफ़ी व्यक्तियों को मालूम नहीं होते हैं, जिससे उनका डेटा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। अगर आपका डेटा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है तो आप इन ट्रिक को, इन मेथड्स को, इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, ताकि आपका डेटा जो ज्यादा खर्च होता है उससे आपको फायदा मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा है, काफ़ी कुछ नया जाना है, जो आपके काम आया होगा। अगर आपके काम आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया दोस्तों, तो ये हमारा यूज़र नेम दिख रहा है, इस यूज़र नेम को आप सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिख रहे यूज़र नेम पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब भी आप हमें कमेंट करते हैं तो आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई, आपके हर एक डीएम का रिप्लाई, हर एक मैसेज का रिप्लाई आपको काफी जल्दी दिया जाता है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफी जल्दी मिल जाएगा। आप मुझे यहां पर फॉलो जरूर करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।